साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ में कई घर तबाह हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी केदारनाथ मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। आखिर चमत्कार हुआ क्या? दरअसल बाढ़ वाले दिन केदारनाथ मंदिर के दो साधुओं ने देखा कि मंदिर के ठीक पीछे से खतरनाक बाढ़ के सैलाब के साथ एक बड़ा सा पत्थर तेज रफ्तार से मंदिर की ओर आ रहा था, लेकिन अचानक वो पत्थर मंदिर से कुछ ही दूर आकर रुक गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे रोक के रखा हो। यही नहीं, उस पत्थर ने बाढ़ से आते हुए पानी को दो हिस्सों में बांट दिया। से पानी दो धाराओं में बट के केदारनाथ मंदिर के आजू बाजू से निकल गया। कहते हैं वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि वो भीमशिला पत्थर था। कहा ऐसा जाता है कि पांडवों के केदारनाथ मंदिर का निर्माण करने के बाद बलशाली भीम ने इस मंदिर की रक्षा करने का वचन दिया था, जिसके चलते भीम ने ही वो पत्थर मंदिर की रक्षा के लिए रखा था, जिसे आज भीमशिला पत्थर कहा जाता है। वैसे गाइस, आपको इस चमत्कार के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार लता मंगेशकर जी को जहर दिया गया था? क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल बात है 1962 की, जब दीदी लंबे समय के लिए बीमार पड़ गई थी क्योंकि उनको धीमा जहर दिया गया था, और देखते ही देखते ये खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। सदी की सबसे बड़ी आवाज को खामोश करने की कोशिश लगभग पूरी हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने और काम से दूर रहने की सलाह तक दे दी थी। अपने करियर के शीर्ष दौर में होते हुए भी दीदी स्टूडियोज नहीं जा सकती थी और गाना छूट ही चुका था। दीदी को यह डर भी सताने लगा था कि वो भविष्य में गा भी पाएंगी या नहीं। ऐसे में उनका विश्वास भी अपने गायन से हिल गया था, जिसे दोबारा उतने ही उत्साह और विश्वास के साथ उनके संगीतकार हेमंत कुमार ने लुटाया। जब फिल्म 20 साल बाद का ऐतिहासिक गाना कहीं दीप जले कहीं दिल उनसे छुपाकर फाइनल टेक में रिकॉर्ड ट्रायल बोल के करवा लिया गया, पर लोग ये कहते हैं कि दीदी की आवाज उस हादसे के बाद और ज्यादा बेहतर हो गई थी। इससे सार्थक होता है कि कष्ट झेल के इंसान शिखर तक पहुंचता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने खटिया को घर पे पड़ा हुआ तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी खटिया को सड़क पे दौड़ते देखा है? जी हाँ गाइस, सड़क पर दौड़ने वाली चार पहिया खटिया के वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रखा है, जिसे देखकर लोग बनाने वाले को सबसे बड़ा जुगाड़ू और देसी जुगाड़ का बाप कह रहे हैं। गाइस, इस जुगाड़ू चार पहिया खटिया की वीडियो खुद महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने शेयर करते हुए लिखा कि ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि खटिया का ऐसा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ऐसा जुगाड़ इंडिया के गांव में विषम परिस्थितियों में जीवन रक्षक साबित हो सकता है, जैसे कि किसी गर्भवती औरत को इमरजेंसी में अस्पताल तक पहुंचाना। गाइस, इंडिया जुगाड़ों का देश है और हमारे गांव के छोरे भी जुगाड़ बनाने में किसी से कम नहीं है। आपको ये जुगाड़ वाली खटिया कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते अगली वीडियो में।